हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जेम डाइहेलाइड। चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। डाइहेलाइड्स आपके दो टाइप के होते हैं। पहली कंडीशन पहले समझ लो, डाइहेलाइड्स कब कहलाएंगे। जो दो टाइप के मैं बता रही हूँ, या पहले मैं दो टाइप्स बता देती हूँ। दो टाइप्स होते हैं आपके, एक तो जेम होता है, एक विसिनल होता है। इसको जेमिनल कहते हैं, पूरा नाम इसका जेमिनल होता है, इसका पूरा नाम विसिनल होता है। तो इसको शॉर्ट में हम जेम लिख देते हैं और इसको शॉर्ट में विस लिख देते हैं, ठीक है। तो जेमिनल कब कहलाएंगे, मान लो कोई भी आर ग्रुप लगाए, से कार्बन है, अगर एक ही कार्बन से दो हैलाइड्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसे जेमिनल कहेंगे। बट आपका कुछ ऐसा सिस्टम है कि दो एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो हैलाइड्स लगे हो तो उसे विसिनल कहेंगे। या मतलब जेमिनल तो क्लियर है कि एक ही कार्बन पे दो हैलाइड लग जाएंगे तो उसे डाई हैलाइड कर देंगे। विसिनल तब कंडीशन होगी जब दो एडजेसेंट कार्बन होंगे, अगल बगल के कार्बन होंगे, दूर दूर के नहीं, अगल बगल के कार्बन होंगे। अल्फा बीटा सिचुएशन या 1-2 सिचुएशन होगी तब जाते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं। अब हमसे जेम डाई हैलाइड पूछा हुआ है, तो या तो आप इनका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, नहीं तो सिंपली ऐसे भी देख सकते हो। देखो दो कार्बन दिए, एक तो CH3 और एक CHBr एंड बी आर। तो आप देख रहे हो एक ही कार्बन से दो हैलाइड लगे हैं, तो ये तो जेम हैलाइड है, जेम डाई हैलाइड है, ठीक है। अब सेकंड में देखो CH2 Br, ऑब्वियसली यहाँ पर टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लगेगा, और CH2 Br अगेन यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी करने के लिए लगेगा। तो दोनों एडजेसेंट पोजिशन पे तो विसिनल हो गया, ये गलत है। सी में देखो CH3 टेट्रा वैलेंसी के लिए CH2 Br, ये भी दोनों एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स लग रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये विसिनल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी में देखो CH3 CH Br CH2 CH2 Br, यहाँ पर दो है ना हैलाइड, दो डिफरेंट कार्बन पे लगे हैं बट वो एडजेसेंट नहीं है, तो ये विसिनल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो ओनली ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।